जन के नोबल जाए, हर जन के नोबल जाए। सेक्रेटरी साहब का हुक्म है कि डॉक्टर जगीर सिंह जी साढ़े अज के मुख मेहमान सरदार सुरजीत सिंह बरनाला अपनी पुस्तक का एक सैट भेंट करेंगे। डॉक्टर जगीर सिंह सेमिनार आयोजित किया जिसके वक् वक् विद्वाना वालों जिन्होंने साढ़े को चार उच्च कोटी के विद्वान ने डॉक्टर जगमेल सिंह, डॉक्टर हरनाम सिंह शान, डॉक्टर दर्शन सिंह, डॉक्टर तेजवंत सिंह। अज के पहले साढ़े वक्ता ने जिन्होंने डॉक्टर जगमेल सिंह भानुआ जिन्होंने पी एच डी भाई कान सिंह नाभा जी पंजाबी साहित्य देन विषय के उत्ते की है कि भाई साहब पंजाब नाल संबंधित वीहवीं सदी के कुछ चोणवे लेखकों विचों एक हैं। पंजाब सिख धर्म, पंजाबी भाषा ते पंजाबी अदब नूं भाई साहब का योगदान बहुपक्षी भी है ते हर पक्षों सार्थक भी है। भाई साहब का योगदान गिणनात्मक ते गुणनात्मक पक्षों इतना विशाल है कि उस सब कुछ नूं इस छोटे जे पेपर विच चर्चा का विशा बनाउणा मुमकिन ही नहीं सगों नामुमकिन है। पर फिर भी मैं कोशिश कीती है कि संकेत मात्र भाई साहब के योगदान नूं इत्थे चर्चा का विशा बनाया जाए। अपने बटमुले योगदान करके भाई साहब एक युग पुरश का दर्जा रखते हैं। युग पुरश की मूल निशानी यह हुंदी है कि वह अपने जीवन मनोरथ प्रति दृढ़ ते स्पष्ट हुंदा है अते अपने मंतव की पूर्ति लई ओ निरंतर साधना विच जुटिया रहिंदा है। साहित्यकार, चिंतक ते कलाकार अपने समय दे नालों बहुत अगे रहिंदा है। उसका अनुभव उसनूं युग दृष्टा बना दिंदा है अते ओ अपने अनुभव नूं पाठकां तक पहुँचा के अपनी अनुभूति की सफल अभिव्यंजना करता है। भाई कान सिंह नाभा अपने समय 1861 तो 1938 ईस्वी दियां श्रोमणी शख्सियतों विचों प्रमुख सन। पंजाबी साहित्य के परिवर्तन काल 1900 तो लैके 1930 ईस्वी विच भाई साहब का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्हां दी साहित्यक दिलचस्पी का घेरा अति विशाल सी जिस विच धर्म, खंडन, मंडन, इतिहास, टीकाकारी, कोशकारी, राजनीति आदि अनेक विषय शामिल हैं। यह सारे तत्व इस युग पुरश की विद्वता के सूचक ही नहीं सगों पंजाबीयत के नाल उसके विशेष लगाव नूं भी दर्शाते हैं। 20वीं सदी के इस युग पुरश का सन्मान करना साढ़े सारे का नैतिक फर्ज बनता है। जन्म रियासत पटियाला के पिंड सबज बनेरे उन्होंने नानके घर माता हर कौर जी की कुखों 30 अगस्त 1861 ईस्वी नूं होया। उन्हां दा असल पिंड पिथों जिला बठिंडा विच जात दे ढिल्लों जट ते उन्हां दी खानदानी परंपरा महाराजा रणजीत सिंह दे मुसाहिब बाबा नौ सिंह जी नाल जा मिलदी है। बेशक भाई साहिब ने विद्या किसी खास विद्यालय तो प्राप्त नहीं कीती परंतु नाभे दे जिस इतिहासिक गुरुद्वारे विच उन्हां नूं बचपन तो विद्या प्राप्ति का मौका मिलिया वह स्थान उस मौके बहुपक्षी ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनया होया सी। नाम दे रसीए महापुरश बाबा अजापाल सिंह जी नाल संबंधित उस इतिहासिक गुरुद्वारे के प्रमुख सेवादार उस समय उन्होंने पिता बाबा नारायण सिंह जी सन जिस करके बचपन तो ही बहुपक्षी विद्या द्वारा भाई साहब का दिमाग रोशन हुंदा गया अते भलाई ते बुराई नूं परखण दी सोझी प्राप्त होई। बेशक उन्हां दी शख्सियत विचों कई रूपां दे दर्शन हुंदे हन पर दूजे दौर दीआं रचनावां नाल उह सिख धर्म दे महान व्याख्याकार, धर्म शास्त्री, थायोलॉजन दे तौर ते सामने आए। जदों उह कहिंदे हन
कि मैं अफसोस नाल आखना पैंदा है असी अजे पंजाबी लई बहुत घट यत्न किया है। और इस तों भी वध के शोक की गल यह है कि अनेक भाइयों ने पंजाबी नूं सिखां दी ही बोली समझ के मातरी भाषा दे नाल बैर कमाया है। तो अखीर विच मैं एक अर्ज लई माफी चाहांगा कि भाई साहब ने पंजाबी कौम की भलाई लई उम्र भर जो ज्ञान इकट्ठा किया उस तों हाल ही तक असी बहुत घट लाभ उठाया है। उन्होंने जो कार्य आरंभिया उस नूं होर अगे तोरन लई इस कार्य नूं नेपरे चाढ़न लई भाषा विभाग ते साडी यूनिवर्सिटियां नूं हाली होर बहुत उद्यम की जरूरत है। इस उद्यम नूं अमलीजामा पहनाउण लई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच भाई कान सिंह नाभा चेयर स्थापित करनी बहुत जरूरी है। नाम सिंह शाहनूरा जिन्हां ने साडी बेनती प्रवान करके अपने रुझेवें दे विचों समां कढ़िया बेनती करदा है कि वह 15 मिनट वास्ते स्रोतियां दे नाल भाई साहब भाई कान सिंह नाभा बारे अपने विचार सांझे करनगे। मैं इस पेपर का जो सिरनामा रखिया है वो है विद्वानता दे एक साकार स्वरूप इन इन एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा विद्वता दे विद्वानता दे एक सजीव ते साकार स्वरूप सन। वो एक अजिही बहुपक्षी शख्सियत प्रतिभा ते परिश्रम सोच ते सियाणप लगन ते लियाकत आदि मालक सन जो किसी कौम उसके साहित्य इतिहास आदि कदे कदा ही नसीब होया करते। वो एक अजिही महान ते माण करन योग देख सन जिन्हों का कम कि उन्होंने किरदार वाग ही महान सी। वो एक उगे व्यक्ति भी सन ते एक आपे स्थापित हुई संस्था जी जिहड़ा ते जिहो जिहा काम वो इकल्ले ही कर गए हैं वो किसी वड्डी ते स्थापित संस्था के करन वाला सी। कमाल है कि वो फिर भी अपनी सफलता दे लाभदायक कर सके अजे तक बेजोड़ है। उन्होंने साढ़े तुहाडे वाग कोई रस्मी स्कूली कालजी विद्या सिक्ख्या प्राप्त नहीं हो सकी पर उन्होंने शौक लगन हिम्मत मेहनत ने उन्होंने ना पात उसके आले दुआले वक्रा से विद्वानों को लगभग सारी परंपराई विद्या सिक्ख्या ना सुसज्ज कर दिता। इसे सदके वो चढ़ी जवानी में ही ब्रजी हिंदी पंजाबी संस्कृत गुरबाणी तो होर सिख साहित काव्य शास्त्र न्याय वेदांत संगीत आदि चंगे जानकार हो गए हैं। उर्दू फारसी की पढ़ाई रही वो आपे दिल्ली तो लखनऊ और अंग्रेजी के लिए लाहौर चले गए। 13 साल लाहौर विखे कथा व्याख्या करद ही उन्होंने मेल मिलाप प्रोफेसर गुरमुख सिंह भाई जीत सिंह वर्गे सिंह सभा लहर के सुख गुठिया में हो गया जिन्हों की संगत उदेश के संघर्ष ने सोने सुहागे का काम किया। नाभे वापसी से महाराजा हीरा सिंह की सरपस्ती